हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, स्थानीय परीक्षा 2023 शुरू हो चुकी है और 18/6/2023 को आपको फर्स्ट सिटिंग में उर्दू का पेपर हुआ है और उसी का पेपर, उर्दू पेपर का डिस्कशन करेंगे, कौन सा सवाल का क्या जवाब होगा। तो पूरा वीडियो को आप वॉच करें और जिनको प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि सब किसी को नहीं आता है। वैसे भी हम जो, मेरा बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम और बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, नहीं कि बिहार मदरसा बोर्ड से। तो हमको जो भी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर आपको बताते हैं। तो आपको लग रहा है कि हम सारा आंसर नहीं बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप वीडियो को नहीं देखें और जो भी हम जानकारी सही है वही बताते हैं, गलत चीज़ आपको बताने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर बता दें, गलत भी बता दें, तो वो सही बात नहीं हुआ। जो हमको आता है उतना बता रहे हैं, तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखें, अन्यथा आप वीडियो नहीं देखें। आपको मजबूर नहीं किया जा रहा है कि आप वीडियो देखें, ऐसे फालतू में कमेंट करके आप कुछ भी नहीं बोले। और एक बात और कि आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिला है, तो इसका मतलब नहीं कि आप कभी भी कॉल करके हमको परेशान करते रहें, कॉल आप लोग को नहीं करना है। अब हम क्या किए हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए हैं जो कि जो भी परीक्षा होने वाली है बिहार मदरसा बोर्ड के, उसके लिए, तो चाहे आप वस्तानिया फुकानिया मौलवी की परीक्षा देने वाले हैं उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपना क्वेश्चन या डाउट जो भी आपका है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपको जवाब जो हमको मालूम होगा वो देने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट्सअप जो है उसका, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आपका जो भी उर्दू पेपर हुआ है उसका आंसर क्या होगा। देख सकते हैं, ये आपका उर्दू का पेपर है, यहाँ पे आपका कोड दिया गया है, W माने उस्तानिया और U माने उर्दू का पेपर है, उस्तानिया का उर्दू का पेपर है। एग्जामिनेशन 2023, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, समय 2 घंटा दिया गया है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे सेक्शन ए में क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो सेक्शन ए में आपका एडजेक्टिव सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं 20 सवाल है, एक सवाल के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, इस प्रकार 40 आपको नंबर मिलेंगे। तो इसमें से सभी सवाल आपको बनाना है सेक्शन ए में। सबसे पहला जो सवाल है कि उर्दू की मकबूलियत की सबसे अहम वजह क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह हिंदी से मिलती जुलती है, जिसके कारण से ये मकबूलियत इसको ज़्यादा मिल गया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि उर्दू में हरूफ तहजीब की तादाद कितनी है, तो हरूफ तहजीब की तादाद 52 होता है, मगर यहाँ पे ऑप्शन 52 नहीं है, तो इसका आंसर 37 होगा। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने तालीम के साथ किस चीज़ को अहम बताया था, तो इसका जवाब हमको पता नहीं है क्योंकि हम बुक पढ़े नहीं है उस्तानी का भी, और फिलहाल मेरा जो भी पढ़ाई है 5-6 साल पहले से उर्दू छूट चुका है, ठीक है। तो हम जो भी पढ़े हैं बिहार मदरसा बोर्ड से नहीं पढ़े हैं, अपने खुद से पढ़े हैं और उस्तानिया फुकानिया एग्ज़ाम दिए हैं खुद से, तो उतना नॉलेज नहीं है। जितने भी नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ये बुक पढ़ना पड़ेगा, मगर मेरा बुक भी नहीं है, अभी कोई भी बुक नहीं है, जिसके कारण से हम इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं, इसका आंसर अभी हमको पता नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 नंबर सवाल है, तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा जिम, दौलत कमाना, ठीक है। उसके बाद दर्जे ज़ेल अल्फाज में किस का उमला दुरुस्त नहीं है, तो इसका होगा आपका ख्वाहिश। इसका आंसर ख्वाहिश होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 6 नंबर में, दर्ज ज़ेल अल्फाज में से पानी को हम माने क्या होता है, तो आप होता है, इसका आप होगा। उसके बाद दर्ज ज़ेल लफ्ज़ में कौन सा लफ्ज़ महल की जमा है, तो महल के जमा महल्ला दाल होगा आपका आंसर। दर्ज ज़ेल अल्फाज में कौन अदल का मुदरातिफ है, तो अदल का जो होता है इंसाफ होता है, आंसर ये होगा आपका। 9 का है आसम विहारी की योम पैदाइश कब थी, तो इनका जो योम पैदाइश था 15 अप्रैल था, और यहाँ पे असम बिहारी कौम के लिए थे, तो ये इसका जीम आंसर होगा, मुसल्ला कौम। उसके बाद है सरदार बोदी खां के पोती कौन थी, तो सरदार बोदी खां की पोती जो थी हाजी बेगम थी, ये भी आपके बुक से क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग, हम पहले ही बता दिए थे कि आप लोग बुक को फॉलो कीजिए, अब जो बच्चे बुक नहीं पढ़े हैं तो उनको तो दिक्कत होगी ही ऐसे सवालों में, और वैसे हम बुक नहीं पढ़े हैं मगर ये सब गूगल पर सर्च किए हैं तो ये आंसर हमको मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पर यूरोप किस वजह एक है ताकतवर खत्ता बन गया है, तो ये इसका कारण जीम होगा, ठीक है, नहीं सॉरी अलिफ होगा, जदीद टेक्नोलॉजी के कारण जो है ये आगे बढ़ा हुआ है, तो ये आपका अलिफ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर जो सवाल है इसका,
जईद ने आज कुछ नहीं खाया, जईद ने आज कुछ नहीं खाया, इसका बी आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ क्या माने होता है। उसके बाद यहाँ पे है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो आप बता भी सकते हैं कमेंट करके कि उसका आंसर गलत है, तो ठीक है हम उसमें सुधार कर लेंगे, या जो भी बच्चे हैं उसमें सुधार कर लेंगे। यहाँ पे सराय फानी से किस का मुराद है, तो बहुत से बच्चे जो है यहाँ पे आखरत मारा है फानी का मतलब, तो इसका गलत है। इसका सही आंसर जो है अलिफ होगा, दुनिया, ठीक है। सराय फानी यानी दुनिया जो है फानी है, ये ख़त्म होने वाला है, इसका आंसर। उसके बाद 15 नंबर सवाल है, अगर जलजला का झटका महसूस हो तो क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बे, चूँकि किसी मसूरी के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। कहीं हम नीचे जब भी जलजला आता है तो कहीं पे जाकर हम छुपने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ के, मजबूत चीज़ के नीचे। उसके बाद यहाँ पर 16 में दिया गया, इनमें से कौन सा लफ्ज़ वाहिद है, तो इसमें वाहिद जो है लफ्ज़ है वह है जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, इनमें से कौन सा लफ्ज का इमदा दुरुस्त नहीं है, तो इसमें इमदा दुरुस्त नहीं है, उसका बी है साहिल। उसके बाद है कि 18 कदीम और कदम हम सूरत लफ्ज हैं, कदम के माने पांव होते हैं, तो कदम के माने क्या हो जाएंगे, तो ये एक तरह का पेड़ का नाम है, ठीक है, कदम। साइंस दा में दा क्या है, तो साइंस दा में दा जो होता है लाहुका, ठीक है। कोई लफ्ज़ जो बाद में जुड़ता है उसको लाहुका कहते हैं, और जो पहले जुड़ जाता है उसको साबका कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लाहुका होगा। उसके बाद 20 नंबर जो सवाल है वह है कि इतवार किस लफ्ज़ की जमा है, तो ये हो जाएगा तौर की, ठीक है, तौर की जीम इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी आंसर हमको पता था वो बता दिए हैं। अब आप लोग को कितना सही है कितना गलत है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी सवाल अगर हम गलत बताए हैं आंसर उसको भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पे सेक्शन बी में जो भी सवाल थे, 5 सवाल दिए गए थे, एक सवाल 6 नंबर का था, तो 5 सवाल आपको बनाने थे। यहाँ पर कुछ सवाल जैसे कि यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, आज़ादी की लड़ाई किस जज्बे के साथ लड़ी गई थी, इसको लिखना था। उसके बाद असम बिहारी गांधी जी के किस तहरीक से मुतासिर हुए और इसका क्या असर हुआ, इसके बारे में भी लिखना था। ये आपके सब किताब से क्वेश्चन पूछे गए थे, लफ्ज़ की तहरीर और इसकी किस में लिखे, ये आपको उर्दू कवायद से सवाल था। उसके बाद था सैलाब से बच्चे के लिए मुस्तैल और फौरी इकदामात क्या है तहरीर करें, तो ये भी आपको नॉलेज ये होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और 5वां जो सवाल था कि मुहावरा को जमा में इस्तेमाल करें, तो मुहावरा को आपको लिखना था, उसको जमा में बनाना था जैसे जुमले में, ठीक है। तो सबसे पहला अलिफ जो है आँख का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना होता है, और उसके बाद है कि 9-2-11 होना, भाग जाना, दांते तले चने चबाना यानी कि पछताना, लोहा लेना यानी कि लड़ाई करना संघर्ष करना लोहा लेना, और उसके बाद मैदान मारना यानी जीत जाना, खाक का पेवंद होना कि इसका थोड़ा डाउट है हमको नहीं बता पाएंगे, तो इसमें से सभी मुहावरा का करना था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मदरसा जेल सवालात में से किसी 3 को, सेक्शन जो सी है इसमें से 10 नंबर का एक सवाल था, जो कि 3 सवाल इसमें से बनाने थे। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो सवाल था, सालिम अली की शख्सियत सलीम अली की शख्सियत पर रोशनी डाले, ठीक है। तो उसके बाद है नजीम नवारी जरिश के ख्याल खुलासा करना था, ठीक है, नज़म के बारे में। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो सवाल था, दर्ज ज़ेल अनवारों में से किसी एक पर मज़मून लिखना था, या तो इस दुनिया तालीम और तरबियत उर्दू ज़बान की अहमियत, और इस पे से किसी एक पर आपको मज़मून लिखना था, या आपको अपने मदरसा के प्रिंसिपल के नाम मतलिक वजह से बताते कर छुट्टी की दरख्वास्त, या एक दरख्वास्त लिखने कहा गया था, इसमें से कोई एक आप मजमून लिख सकते हैं या दरख्वास्त लिखने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जो भी जानकारी था आपको हम बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।